बताया है ठीक है। हमने गूगल सीट पढ़ाई थी, स्लाइड्स वगैरह बनाना बताई थी आपको ऑनलाइन, तो हमने ये बताया था, पर एक बार और बता देते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप आपके क्या करेंगे, जो मेल आईडी रहती है वो लॉग इन करेंगे। तो हम यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करती हैं, और आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेल आईडी को लॉग इन करेंगे। यहाँ पे जीमेल पर क्लिक करेंगे, साइन इन, और यहाँ पे आप आपकी मेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे आप आपका पासवर्ड देंगे, तो आपकी मेल आईडी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ये तो आपके वो रहते हैं, तो आपके पास मेल आता है जिसने मेल किया होगा आपको। इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका कंपोज, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा, तो टू में आप उस पर्सन की मेल आईडी लिखेंगे जिसको आप मेल करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख दें, किसकी लिख दें, कोई नहीं बोलेगा, हमें पता है, तो हम खुद की ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आप एक साथ एक से ज्यादा पर्सन को मेल कर सकते हैं, दूसरी और भी आईडी टाइप करने तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, पर ये गलत आ रही है क्योंकि उसमें डीपी नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी आईडी आती जा रही है आपकी। अब हम यहाँ पे एक बार टाइप कर रहे थे, वो ऑटोमेटिक आईडी ले रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले मेल कर चुके हैं। जब आप फर्स्ट टाइम किसी को मेल करते हैं तो आपको पूरी आईडी टाइप करनी पड़ती है, बट जब आप किसी को कर चुके होंगे तो वो आपका ले लेगा आईडी। तो हम यहाँ पे इनको हटा देते हैं, ये दोनों रहने देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट मेल कर रहे उसका नाम डाल देंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट डाल दें अपन, क्या डाल दें, डॉक्यूमेंट ही डाल देते हैं। डॉक्यूमेंट्स डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, आपको कुछ और भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। इसके बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हमने बता ही दिए थे आपको, ठीक है, फॉन्ट के लिए रहते हैं। फिर यहाँ पे रहता है ये अटैच, अटैच फाइल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे जो भी मेल आईडी क्या करना है, सॉरी, जो भी आपको डॉक्यूमेंट मेल करना है वो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए अपन ने स्कैन किया था तो वो ले लें अपन, लेकिन वो अपनी इस लोकेशन पे नहीं है, दूसरी लोकेशन पर है, तो अपन यहाँ पे जी ड्राइव लेते हैं, यही था डॉक्यूमेंट, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपको, उसका साइज भी बता रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे, और भी कुछ लेना तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे कि अपन एफ ड्राइव में चलते हैं, और यहाँ से वॉलपेपर, तो आपके पास ये बहुत सारे वॉलपेपर है, अब इसमें से कुछ वॉलपेपर आपको लेना है। जैसे कि हमें ये तीनों इमेज अपनी मेल पे लेना है, पर तीनों कैसे लेंगे अब एक साथ आप? अगर आपको ऑल लेनी है जितनी भी इसमें है, तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाता है आपका, तो इसमें जितनी भी इमेज रहेंगे वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे और ओपन कर देंगे। लेकिन हमें ये तीन लेनी है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल या शिफ्ट की के साथ आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे, मतलब माउस से क्लिक करते जाएंगे, कंट्रोल की होल्ड करके रखेंगे और ओपन करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो पहले जो डॉक्यूमेंट अटैच किया था वो तो आपका है ही, और साथ में जो आपने अभी जस्ट ओपन किए इमेज वो भी आ गई है आपकी। ठीक है, और सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे ये मैसेज बता रहा है, आप इसे आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे मी नाम से आ गया, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो आपने लिया था, सेलेक्ट की थी इमेज, वो आपकी इमेज आ जाए। अब आपको आपके सिस्टम में लेनी है तो यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड कर देंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी इमेज, और नॉर्मली आपको इसी में देखनी है तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज शो हो जाएगी कि ये आपकी इमेज है, और डाउनलोड करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को मेल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ, डाउनलोड जैसे आप इस पे करेंगे ना, इसको जैसे हमने क्या किया, इस लोगो को डाउनलोड किया, ये इमेजेस को डाउनलोड किया, ठीक है, तो ये देखिए डाउनलोड हो गया आपका। अगर आपको यहां से ओपन करना तो एक बार इस पे आप क्लिक करेंगे,
जैसे आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन यहां से नहीं करना तो कहां मिलेगा फिर वो आपको? डाउनलोड वाले फोल्डर में। तो डाउनलोड फोल्डर आपको कहां पे मिलता है? दिस पीसी में। तो आप दिस पीसी पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड सारा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ गया लोगो नाम से। जो भी आप इमेज डाउनलोड करते हैं तो इमेज में तो वो लोकेशन पूछता, अगर आप लोकेशन नहीं देते हैं और वो जो लोकेशन रहती है वो उस पर डाउनलोड कर लेता है, और अगर मेल आईडी से कुछ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं तो वो आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स में आ जाता है, उसे तो डाउनलोड्स में ही आएगा ज्यादातर। ठीक है, जो भी आप डाउनलोड करते हैं, नहीं मेल आईडी से अगर आप यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट करते हैं डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड में ही जाते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन कुछ ऐसे कि इमेज वगैरह करते हैं तो उसे आप लोकेशन दे सकते हैं, उसको दे देते हैं आप। ठीक है, तो आ जाएगा आप सभी को। मैम अब जीमेल को लॉग आउट कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, अपन यहाँ पे करते हैं जो आपकी जीमेल आईडी को आपको करना है लॉग आउट मतलब साइन आउट करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपकी डीपी आती है, अगर यहाँ पे डीपी डली है तो डीपी से होगी, अगर आपकी डीपी नहीं डली है इसमें तो जो आपका फर्स्ट लेटर रहता है नाम का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो शो होता है आपका, जैसे हमारा एस है तो हमारा एस शो होता है, आपका कुछ और है तो आपके नाम का होता है यहाँ पे। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आ जाएगा। अगर इसी में आपको एक और आईडी लॉग इन करनी है तो ये ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ से ऐड कर लेंगे, लेकिन हमें नहीं करनी, हमें से क्या करना चाहते हैं साइन आउट, तो साइन आउट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप साइन आउट पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी यहाँ से साइन आउट हो जाएगी, बट आप यहाँ पे देख रहे कि यहाँ पे जो आपकी आईडी है लेकिन यहाँ है, उनसे क्या होगा? आपके पास तो पासवर्ड डालना चाहिए इसमें तब वो ओपन होगी, पासवर्ड भी डाल देंगे तो वो आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड पूछता है, वो डाल देंगे आप। और अगर यहाँ से भी रिमूव करनी है तो ये आ रहा है रिमूव अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर आईडी पे क्लिक करेंगे जो भी आईडी आपको रिमूव करनी है और यस रिमूव कर देंगे तो आपकी यहाँ से भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम, तो आ जाएगा आपको। ओके, तो हमने आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना, साइज बनाना, मेल करना ये सब बता दिया, और कुछ आपको कुछ डाउट्स हो तो क्लोज करते हैं।